सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आप सबका आज के इस वेबिनार में। एंड आज हम काफी सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और मेन हमारा होगा बिटकॉइन माइनिंग का। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज में बता देता हूँ, बिकॉज कल हमने सीखा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में मैं बता दूं, क्यों आज पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे समझने की कोशिश करना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज आप हर जगह पे कर सकते हो, जैसे कि मैं बात करूं एम्प्लॉयर्स है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स वगैरह है, तो आप हर जगह पे इसका यूज कर सकते हो। स्पेशली मैं बात करूं बैंक में आप कर सकते हो, उसके साथ साथ जो इलेक्शन होता है उस पे आप कर सकते हो, जो मेडिकल साइंस है उसमें कैंसर वगैरह के इलाज वगैरह के लिए इसको आप कर सकते हो, डाटा वगैरह पूरा नोट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप इसका यूज कर सकते हो। इसका हमारे इंडिया में क्यों इसको लेकर के इतना ज्यादा जोर दे रहा है और लोग इस पर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, समझना। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इस सिस्टम को ऑटोमेट करने का काम करता है। आप क्या चाहते हो, आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट तो करना चाहते हो ना, कि बार बार जो प्रॉब्लम्स आ रहा है इससे मैं अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर लूं। सो आप जैसे चाहते हो गवर्नमेंट भी वैसा ही चाहता है, गवर्नमेंट भी अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहता है। इससे होता क्या है, जैसे कि मैं बात करूं कहीं पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, कहीं पर किसी को कुछ फंड वगैरह देना है, किसी को किसान योजना के तहत, किसी को मकान योजना के तहत, जो भी हो, तो इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे मिडिल मैन लोग होते हैं ना, बिचौलिए जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फंड खा जाते हैं। उसकी वजह से जो एक्चुअल में लोगों को मिलना चाहिए वो फंड नहीं मिल पाता है। एंड आपको पता होगा इसीलिए नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम जितना अच्छे तरीके से हो सके लोगों के पास लेकर के आए, इसका यूज हम करें और लोग इसको लेकर के अवेयर हो। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहला डिजिटल राइट्स के लिए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट है, मित्रा वगैरह है, ये आपकी ई कॉमर्स, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। आप अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन में डाल सकते हो जिससे कि सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा, बार बार आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं होगा। पी टू पी लेंडिंग में, तो आप पी टू पी लेंडिंग में भी कर सकते हो, ग्लोबल पेमेंट में भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद सप्लाई चेन में, स्पेशली मैं बात करूँ ग्लोबल पेमेंट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत कम लगते हैं, टाइम बहुत कम लगता है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। सप्लाई चेन के रूप में आप कर सकते हो, सॉरी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हो, माइक्रो फाइनेंस के लिए, इक्विटी के लिए, डेप्ट वगैरह के लिए, लाइक किसी को अगर आप कर्ज दे रहे हो तो उसके लिए भी डाटा आपके पास स्टोर रहना जरूरी है, ऑनरशिप के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देन नाउ स्टार्ट करते हैं माइनिंग के बारे में, माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी माइनिंग का प्रोसीजर आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो होता क्या है, कई सारी क्रिप्टो करेंसी होती है, हर एक के माइनिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूँ स्पेशली, चलिए मैं पहले बिटकॉइन के बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से माइनिंग होता है, क्या इसके प्रोसीजर होता है, इसको मैं सिंपल सा आप लोगों को यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, देन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखिए, माइनिंग के लिए आप लोगों के पास एक माइनिंग फॉर्म होना चाहिए, माइनिंग फॉर्म होना चाहिए जिसमें आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स के ग्रुप होते हैं, ओके। सो आपके पास ये चीज होना चाहिए, तभी आप माइनिंग का प्रोसेस कर पाओगे। लेकिन हाँ, आज इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ गए जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से भी माइनिंग कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास ग्राफिक्स जो होता है अच्छा होना चाहिए और आपके जो सीपीयू है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस कर पाओगे। तो कैसे एग्जैक्ट किया जाता है, किस तरीके से होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर है, ऐसे कंप्यूटर के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें काम होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, इन्हीं कंप्यूटर्स में सारा काम होता है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ये माइनिंग सेटअप कहलाता है, जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ये माइनिंग सिस्टम कहलाता है, और इसको जो वैलिडेट करता है ये कहलाते हैं माइनर्स, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर दो तरीके से सारा सिस्टम होता है, पहला तो ट्रांजेक्शन के बेस में, सेकंड माइनिंग के बेस में। तो एक्चुअल में तो माइनिंग ही होती है। अब आप ये बोलोगे कि सर माइनिंग इन द सेंस की खुदाई करना, तो ऐसा नहीं है, ये खुदाई अलग चीजों पे होती है, फिजिकल चीजों पे। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के, तो क्रिप्टो करेंसी का जो एक तरीके से मैं बोलूं जनरेशन का प्रोसेस होता है ना, उसको माइनिंग कहते हैं, जिसमें डिजिटली सारा काम होता है। तो ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है, और माइनिंग में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, समझना ध्यान से। ये जो बंदा है जो इसको माइनिंग कर रहा है, वेलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ये जो लोग है ना, इन लोगों को किस तरीके से बेनिफिट होता है, सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन की बेस में। मान के चलो मैं हूं और मैंने क्या करा, बिटकॉइन आपको भेज दिया, है ना।
तो आपको जब मैं बिटकॉइन भेजूंगा तो यहाँ पर ये जो माइनर्स है इनको पहला एक रिवॉर्ड मिलता है, ये होते हैं फी, ट्रांजेक्शन फी जो होते हैं ना, नेटवर्क फी। तो जो माइनर्स होते हैं उनको माइनिंग फी जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, क्या होता है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो माइनर्स होते हैं उनको माइनिंग फी जाता है। सेकेंड चीज, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी का पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करता है तो उनको उस क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कि अगर ये बिटकॉइन की माइनिंग करता है तो बिटकॉइन के फॉर्म में इसको रिवॉर्ड मिलता है। दो तरीके से यहाँ पे इसको बेनिफिट होता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली आएंगे और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसमें किस तरीके से काम करता है, क्या होते हैं प्रोसेसर, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, देन आप लोगों को चीजें समझाएंगे, ठीक है। सो वेट करिए, नाउ देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके देखिए जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊं, यहाँ पर देखिए जो आपका बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है। प्रूफ मतलब होता क्या है, हैंस प्रूफ। आप लोग अगर यूज करते होंगे मैथमेटिक्स में, हम यूज करते हैं कि सिद्ध हुआ या प्रूफ हुआ, तो ये भी एक तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या कहता है कि भाई आपको मैथमेटिकल पजल्स सॉल्व करने होते हैं और जब आपने मैथमेटिकल सॉल्व किया तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि आप स्कूल में अपने होमवर्क में कोई मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो टीचर के थ्रू आपको रिवॉर्ड मिलता है, शाबाशी मिलता है। तो उसमें इसी तरीके से आप मान के चलो कि यहाँ पर जो माइनर्स होते हैं, ये जो माइनर्स है जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, ये माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से पजल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इन द बिटकॉइन नेटवर्क यूजर्स ट्राइंग टू सॉल्व मैथमेटिकल पजल आर कॉल्ड एज माइनर, है ना, कि जो मैथमेटिक्स पजल को सॉल्व करते हैं वो माइनर्स कहलाते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है प्रूफ ऑफ वर्क होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इस तरीके से हैश होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, और ये जो आपका मैथमेटिकल पजल्स होता है इसके लिए दो चीजें होती है। सबसे पहले आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, सेकेंड आप जिस सिस्टम का यूज कर रहे हो लाइक सीपीयू का, तो वो बहुत ज्यादा मैं बोलूँ कैलकुलेशन उसका बहुत फास्ट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सारी चीजें बहुत फास्ट होता है ना। तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, एकदम फास्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। ओके, तो रिवॉर्ड के सबसे पहले प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, देन मैं आप लोगों को लाइव ओपन करके दिखाऊंगा कि माइनिंग कैसे करते हैं। मैं आपको बिटकॉइन की माइनिंग के फी वगैरह सब चीजें अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा फोकस आप लोग करिएगा जिससे कि सारी चीजें आपको समझ में आ पाए। ओके, तो चलिए मैं एक स्टेप आगे चलता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, माइनर्स रिवॉर्डेड रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग वन ब्लॉक ये हेल्व जो होता है ये कुछ अलग चीज होता है, ठीक है। एवरी 21,210,000 ब्लॉक्स और एन एवरेज ऑफ एवरी 4 ईयर्स। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जो चीज आपको दिखाया गया है, 2009 की मैं बात करूं तो पूरे के पूरे बिटकॉइन थे और कोई भी बिटकॉइन माइनिंग नहीं हुआ था, है ना। तो क्या हुआ था, 21 मिलियन बिटकॉइन मतलब 2,10,00,000 टोटल बिटकॉइन की माइनिंग किया जाएगा, ये व्हाइट पेपर में मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो हुआ क्या, 2009 से 2012 तक ये जो 4 साल था, इस बीच में जो आपको रिवॉर्ड मिलता था बिटकॉइन माइनिंग पर, तो 50 बिटकॉइन आपको मिलता था। मतलब कि अगर आप 2009 से 2012 तक में अगर बिटकॉइन माइनर रहते और बिटकॉइन की माइनिंग करते तो आपको 50 BTC आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलता, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय क्या था, लोग बहुत कम थे, कॉम्पिटिशन बहुत कम था, ब्लॉक्स बहुत कम थे, यूजर्स बहुत कम थे, तो होता क्या था, नीड भी बहुत कम थी। तो होता क्या था कि लोग जो होते हैं, कॉम्पिटिशन कम था तो उनको जो मिलने वाला बिटकॉइन था वो ज्यादा मिलता था। मान के चलो मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग सिर्फ 31 लोग हैं आज, ठीक है, तो 31 लोग ही बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे तो हम लोग थोड़ा अच्छा ही बिटकॉइन कमा सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस 31 लोगों के साथ साथ 100 लोगों को और मैं लेके आ गया, अब 130 लोग हो गए, तो ये जो 50 बिटकॉइन था वो जो 31 लोगों पे बट रहा था, अब वही 131 लोगों पे बट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा माइनर्स आना शुरू हुआ, कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हुआ, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होते हैं हार्डनेस मैं बोलूं पजल्स के सॉल्व करने के, वो डिफिकल्टीज लेवल बढ़ना शुरू हुआ। क्यों, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए, हर किसी का अपना अपना सिस्टम था, हर किसी के पास बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट होना शुरू हुआ, और जब आप नंबर ऑफ ब्लॉक क्रिएट होंगे मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना और टफ हो जाता है। तो हुआ क्या,
इसकी जो कंपटीशन है वो बढ़ने लगा। और जब कंपटीशन बढ़ा तो 2012 की मैं बात करूं तो 2012 में क्या हुआ, यहां पर मैं बात करूं बिटकॉइन की वैल्यू जब 2012 कंप्लीट हुआ तो 2012 से 16 इस 4 साल की जर्नी में मैं बात करूं, बिटकॉइन जो एक रिवॉर्ड यहां पर मिलता था 50 BTC का, अब वो आधा हो गया और वो मिल गया 25 BTC। 25 BTC अब किसी को भी रिवॉर्ड फॉर्म में मिलता था 2012 से 16 तक। ओके, तो हुआ क्या, यहाँ पर भी लोगों को, मतलब मैं बोलूँ बहुत धीरे धीरे करके लोगों को बेनिफिट कम हुआ। बट हाँ, अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पर 50 बिटकॉइन मिलता था, बट उस समय बिटकॉइन की वैल्यू $100 $200 था, मतलब बहुत कम था। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ बिटकॉइन की वैल्यू $1,000 पे आ गया तो 25 बिटकॉइन मिला। तो एक्चुअल में जो आपको एग्जैक्ट बेनिफिट हो रहा है ना डॉलर के फॉर्म में, वो आपको सेम मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ 1,50,000 बिटकॉइन का माइनिंग किया गया था इस बीच में, ये जो बीच था इस बीच में 1,50,00,000 का माइनिंग किया गया जो फर्स्ट वाला था उसके बाद सेकंड वाले में। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिटकॉइन तो आपको 25 मिल रहा है लेकिन उस समय प्राइस भी तो पंप हो चुका था, तो आपको एक्चुअल में डॉलर के कॉस्ट की मैं बात करूँ सेम प्राइस आपको मिलता था। अब 4 साल के बाद ये फिर से हाफ हो गया, अब मिलना शुरू हुआ 12.5 12.5 बिटकॉइन। तो हुआ क्या, यहाँ से आपको मिलना, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको हाफ हो गया। अब हाफ हुआ तो यहाँ पर आपकी जो, मैं बोलूँ बिटकॉइन की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई लेकिन बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड मिलता है ना वो फिर से डाउन हो गया, है ना। तो चलिए ठीक है, हमारा तो डॉलर में कोई नुकसान हुआ नहीं, अगर आप लोग भी बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब सेकेंड चीज मैं बात करूँ, यहाँ पर 2020 में, क्योंकि ये भी 4 साल का जर्नी था, 4 4 साल के 4 ब्लॉक में है तो ये भी 4 साल की जर्नी थी, इसके बाद फिर से इसका हाफ हो गया, ये हो गया 6.25 बिटकॉइन। अभी मिलता है 6.25 बिटकॉइन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिलता है क्या मिलता है, आप लोग देखोगे आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। सो अब आप देखिए कि बिटकॉइन का जो, मैं बोलूँ रिवॉर्ड रेशियो है वो कम होते होते गया, पहले यहाँ था फिर 50% डाउन फिर 50 फिर 50। तो इस तरीके से हर 4 साल में बिटकॉइन की वैल्यू कम होते जा रहा है। और मैं आपको बताऊं अभी टोटल 18 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो चुका है, 90% बिटकॉइन जनरेट हो चुका है, सिर्फ 10% बाकी है। अब कहा जा रहा है कि इस बिटकॉइन को, जैसे कि मैं बात करूं 90% बिटकॉइन को जनरेट होने में 2009 से एक्चुअल में अगर शुरू हुआ हम मान के चलते हैं बिटकॉइन का जो माइनिंग है वो, तो अभी चल रहा है 2022, ठीक है। तो 2022 की मैं बात करूँ तो 90% बिटकॉइन जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद बाकी जो 10% बिटकॉइन बाकी है उसको जनरेट करने के लिए, उसको माइन करने के लिए आपको 120 साल लगने वाले हैं, जहां तक प्रेडिक्शन किया गया 120 ईयर चाहिए उसके लिए। अब आप सोचो क्यों चाहिए, आप समझना कहीं क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब मार्केट में कंपटीशन होगा जितने माइनर्स आते जाएंगे ब्लॉक्स आते जाएंगे वैसे वैसे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। अब जब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी, माइनर्स ज्यादा होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा तो डिफिकल्टीज लेवल हाई होंगे, और जब डिफिकल्टीज लेवल हाई होंगे तो बिटकॉइन के माइनिंग का जो प्रोसीजर होता है वो काफी टफ होगा और टाइम टेकिंग होगा। ओके, तो हो गया क्या, 90% बिटकॉइन सिर्फ 10 साल में जनरेट कर दिया लेकिन 10% बिटकॉइन को जनरेट करने में 120 साल लगने वाला है। अब आप सोचो, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, कुछ इसके वर्क मैं आपको बताता हूँ उसके बाद फिर बाकी चीजों पे मैं बात करूंगा। देखिए एक्चुअल में ये जो बिटकॉइन होता है वो एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की ये डाउट आते हैं ना कि सर ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी प्राइस क्यों बढ़ती है। मैंने आपको समझाया था कि गोल्ड प्रिंसिपल से काम करता है और उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। चलो मैं आपको एक आलू के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसको आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप मार्केट जाते होंगे तो मार्केट में मान के चलिए सिर्फ एक सब्जी वाला है जिसके पास आलू है, ठीक है, और खरीदने वाले कस्टमर 100 लोग है, तो होगा क्या, जो बंदा है आलू वाला वो क्या करेगा, अपना डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है। अब डिमांड बढ़ाएगा तो होगा क्या, आलू की प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन या फिर मैं बोलूँ उस चीज की नीड बहुत ज्यादा है। तो वो क्या रहा है, लोगों को जब समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज है, इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, हमारे इंडिया में लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं बात करूं अगर आप 3 साल पीछे चले जाओ, 3 साल पीछे तो किसी को भी नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी जो रिवॉल्यूशन आया है आप देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अभी सोशल मीडिया में इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसके वजह से हो क्या रहा है बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैला है इसके लिए। तो हो क्या रहा है, जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ रहे हैं इसका उतना ही प्राइस पंप कर रहा है, उतना ही प्राइस बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ते चला जा रहा है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है एक्चुअली, है ना। यहाँ पे क्या होता है,
जब आप बात करते हो बिटकॉइन का या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं अपना। मान के चलो संतोषी नाकामोतो मैं हूं और मैंने बिटकॉइन का जनरेशन किया और मैंने कहा कि बिटकॉइन सिर्फ 100 बिटकॉइन बस लॉन्च किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जनरेट किया जाएगा। ये मैंने वर्ड पेपर में लिख दिया। अब हुआ क्या, मैंने लिखा है मैं उसके आविष्कारक हूं, मैंने उसको जनरेट किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू तो स्टार्टिंग में 0 थी, तो मैंने क्या किया, 10 बिटकॉइन को फ्री में मार्केट में उतार दिया। समझना एग्जैक्ट इसका कैसा कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। और किस तरीके से मैं बोलूं कि बोल सकते हैं एक तरीके से हम भी बेवकूफ बनते हैं, या फिर मैं बोलूं कि इसके एक्चुअल बेनिफिट होता है जिसकी वजह से हमें काम कर रहा है। समझना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने 10 बिटकॉइन को मार्केट में फ्री में उतार दिया। उस समय उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। अब हुआ क्या, आप लोग 30 लोग हो, 30 में से 10 लोगों को एक एक बिटकॉइन, या फिर मैं बोलूं 30 लोगों को हाफ हाफ, या फिर 2 पॉइंट जितना भी हो, 2.5 आपको जितना भी हो मिल गया आपको, ठीक है। बिटकॉइन जितना भी था आप लोगों को मिल गया, 10 बिटकॉइन है, 30 लोगों पे डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब हुआ क्या, आपको इसकी वैल्यू पता लगी कि यार ये डिसेंट्रलाइज है, बहुत अच्छा है, अनहैकेबल चीजें है। तो आपने क्या किया, इसकी खूबसूरती को देख करके, इसकी यूनिकनेस को देख करके आपने क्या किया, आपने इसको मार्केट में थोड़ा सा लोगों को बताना शुरू कर दिए। अब लोगों को जब आपने बताया तो लोग आपसे खरीदना चाहेंगे, बोलेंगे यार मुझे भी दे दो बिटकॉइन। आप उनको नहीं बोलोगे मुझे फ्री में मिला है, आप उनको पैसे में बेचोगे और फिर आपको और बिटकॉइन चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, आपके तरफ से डिमांड आएगा तो मैं 10 बिटकॉइन को 5 रुपए के भाव में नीचे डाल दूंगा मार्केट में। तो हुआ क्या, मेरे पास 100 बिटकॉइन था, 20 बिटकॉइन मैंने मार्केट में डाल दिया, 80 बिटकॉइन मेरे पास और है, ठीक है। अब अगर मैंने जिस प्रूफ ऑफ वर्क अथॉरिटी से इस बिटकॉइन को लॉन्च किया है, अगर मैंने इसको किसी को नहीं बताया है और किसी को कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो पूरा मालिक मैं रहूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कभी भी मार्केट को डाउन कर सकता हूँ। कैसे, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी बिटकॉइन को मार्केट में मैं बेच दूंगा, प्राइस डाउन हो जाएगी और मैं पैसे कमा लूंगा। ये होता है एग्जैक्ट, है ना। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क जो है, क्यों सबसे खासियत इसकी है, क्योंकि ओपन सोर्स कोड होता है। मतलब कि क्या है, यहाँ पर हर कोई इसको देख सकते हैं। अगर कोई अच्छा कोडिंग एक्सपर्ट है तो वो क्या करेगा, प्रूफ ऑफ वर्क को पूरा स्टडी करने के बाद इसकी माइनिंग शुरू कर देता है। और जब उसकी माइनिंग शुरू हो जाता है तो अब उसके ऑनर सिर्फ मैं नहीं हूँ, जो बंदा माइनिंग कर रहा है वो भी हो गया। और वो माइनिंग करने के बाद जितना बिटकॉइन माइन करेगा उसको उसी प्राइस में सेल कर पाएगा। इस पर मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई मेरे पास 80 बिटकॉइन है और सिर्फ मैं ही इसको माइन कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास अगर नॉलेज है, आप प्रूफ ऑफ वर्क को पढ़ सकते हो, आपको कोडिंग का अच्छा नॉलेज है, देन आप भी माइनिंग करके पैसे कमा सकते हो, बिटकॉइन आप भी बना सकते हो। ओके, ये नहीं कहा जा सकता है कि बिटकॉइन संतोषी नाकामोतो का है, ये नहीं कहा जा सकता है। ये कहा जाता है कि बिटकॉइन किसी भी पर्सन का है, कोई भी बना सकता है अगर उनके पास नॉलेज हो तो। अगर आपके पास नॉलेज हो देन आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको यह इस पर बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं बताऊं, अगर आपको फिजिकली बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ चीजों की नीड होगी। तो सबसे पहले ध्यान से समझे आपको क्या क्या चीजें की नीड होगी। सबसे पहले आपको इसको बनाना हो तो एक प्रॉपर काफी बड़ा एक फील्ड चाहिए, क्षेत्र चाहिए, जहां पे आपको काफी सारे कंप्यूटर्स को रखना होगा, काफी सारे सर्वर्स होंगे जो कि हाई लेवल के होंगे। पहले तो नॉर्मल सीपीयू से बन जाता था, बट अभी हाई लेवल के सर्वर चाहिए तभी आपका बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको काफी कॉस्टिंग भी आएगी, सेकेंड चीज आपको काफी इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, थर्ड चीज आपको कोडिंग का अच्छा नॉलेज भी चाहिए अगर आप एकदम प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हो। बिकॉज अभी जरूरी नहीं है, जैसे बिटकॉइन की मैं बात करूँ तो आज बिटकॉइन की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसकी वैल्यू बहुत हाई है। तो वो क्या रहा है, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल्स है, इसके जो पजल को सॉल्व करने का, तो इसकी काफी डिफिकल्टी लेवल की वजह से इसकी प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप छोटे क्रिप्टो करेंसी की भी माइनिंग करके बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, लाइक इथेरियम है, बाइनेंस है, ट्रोन है, जिसकी आप माइनिंग करके बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। तो हर एक क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का अलग अलग साइट है जो कि मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अब चलो मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पर, अपने गूगल पर, क्रोम पे, और थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन शायद आप लोगों को, जस्ट वेट, एक्चुअली मेरा स्क्रीन का थोड़ा सा इशू हो रहा है, वेट वेट। नाउ जस्ट वेट, मुझे फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ओके, मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे आकर के हम सीखते हैं इसको। हो
ओके सो नाउ ये मेरा क्रोम ओपन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन की माइनिंग का प्रोसेस बताऊं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बिटकॉइन की माइनिंग किया जाता है, माइनर्स के द्वारा कैसे उसको रिवॉर्ड मिलता है, कितना उसको रिवॉर्ड मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, ये आपका है blockchain.com है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को ब्रॉडकास्ट में दे दूंगा, वीडियो आप लोगों को मिल गया था, ऐसे ये भी आपको लिंक मिल जाएगा, परेशान मत होना। बिटकॉइन माइनिंग के लिंक भी आपको दे दूंगा, सारी चीजें जेन्युइन ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, सो आप देखिए blockchain.com है, आपको क्या करना है यहाँ पर, एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करिए, सो आप चेक करिएगा एक्सप्लोरर पे, जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर बिटकॉइन का साइट ओपन हो जाता है और बिटकॉइन के एक्सप्लोरर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे टोटल प्राइस आप देख सकते हो, है ना, उसके बाद एस्टिमेटेड हैश रेट आप देख सकते हो, है ना, हैश रेट पर सेकेंड, है ना। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो ट्रांजेक्शन 24 आवर का आप देख सकते हो, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बिटकॉइन का आप देख सकते हो। ओके, अब नीचे आइए, जब आप नीचे आओगे आप देखोगे लेटेस्ट ब्लॉक्स। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने कहा था मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करना अच्छा दिखेगा, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो हाइट है, माइनिंग 2 मिनट पहले किया गया है एंड पूल के द्वारा किया गया, जो माइनर है देखो ये माइनर है, एंड पूल साइज आप देख लो कितना बाइट का किया गया है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड पूल पे क्लिक करता हूँ, ये बंदा जो है माइनर है, अब इसकी माइनिंग का मैं पूरा हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, देखना आपको मजा आएगा देख करके, बहुत अच्छा लगेगा आपको, देखना। ये देखो ये जो एड्रेस है इसका, ये उनका बिटकॉइन एड्रेस है, अगर आप चाहो तो उनके बिटकॉइन एड्रेस से उनके मतलब अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। देखो ट्रांजेक्शन टोटल इसने अभी तक 16,000 ट्रांजेक्शन किया है बंदे ने, 16,000 ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया है माइनिंग के थ्रू और रिवॉर्ड गेन किया है। टोटल रिसीव्ड मैं बात करूं देखो कितना है, 15,000, सॉरी 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 1,59,000, 1,59,000, सॉरी हाँ 1,59,000 BTC का यहाँ पर इसने रिसीव किया है और टोटल सेंड कर दिया है लोगों को, मतलब सेल वगैरह किया है, तो इसमें देख लीजिए टोटल 1,58,000 बिटकॉइन इसने भेज दिया है ना, 611। ठीक है, अब देखो इनके पास टोटल अभी फाइनल इनके पास बैलेंस कितना है, 507 बिटकॉइन है इनके पास, ये जो माइनर है उनके पास 507 बिटकॉइन है। अभी सोचो अब इतना कितना वैल्यू होगा, आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख रुपए है, तो 500 से मल्टीप्लाई करके देखना कितना करोड़ रुपए होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, इसके जो जितने भी ट्रांजेक्शन है अभी तक इसने 16,673 ट्रांजेक्शन किया हुआ है, तो देखो ट्रांजेक्शन यहाँ पर पूरा का पूरा है। ट्रांजेक्शन फी आप देख लो कितना है इसका, इसने माइनिंग कंप्लीट किया इसको कितना मिला है, यहाँ पर देखो रिवॉर्ड कितना मिला है, मैंने कहा कितना कहा था, 6.25 मैंने बोला था ना, 6.27 उनको मिला है एक को कंफर्म किया है। तो हैश रेट आप देख लो, ये हैश रेट को उन्होंने कंफर्म किया है मैथमेटिकल्स पजल्स वगैरह सॉल्व करके, तो उनको ये मिला है और ये पूरा का पूरा उनका रिवॉर्ड था। ठीक है, आप नीचे आना, नीचे आओगे तो देखोगे ये आपका है, इसको इसने कंफर्म किया है। ठीक है, कितना 351 बाइट्स पे, और इसके बाद वर्चुअल 324 है। ओके, एंड यहाँ पर देखो बिटकॉइन कितना मिला, 6.36, मैंने क्या बोला था 6.25 ना, तो उसी के अराउंड आसपास आपको मिलता है बिटकॉइन उनको मिला हुआ है। ठीक है, अब आप देखोगे हैश रेट वगैरह सब चीजें, अब आप नीचे आओ, आपको मैं दिखा रहा हूँ बिटकॉइन माइनिंग के लाभ। यहाँ पे देखोगे 16,000 है ना पूरे के पूरे पेज, यहाँ पर है आप हर एक ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उस बंदे के पिछले ट्रांजेक्शन जाके देखना, हो सकता है उसको 25 बिटकॉइन, 25 बिटकॉइन या 12 बिटकॉइन, जो भी आपको एक एक ट्रांजेक्शन में मिलता है जो मैंने आपको दिखाया था वैसे आपको मिलेगा। अभी ये 2022 का ही आपको शो कर रहा है, तो मैं आपको जरा दिखा दूं अगर पॉसिबल होता है, क्योंकि काफी टाइम ले लेगा अपलोड होने में इसके, है ना, ओपन करने में, बट आप देख सकते हो यहाँ पर 2022 का ही है ये ट्रांजेक्शन, है ना। चलो मैं 63 पे क्लिक करूँ, देखते हैं, है ना, देखो 2022 2024 का ही है, तो डेली बेसिस में है इसका, देखो रिवॉर्ड डेली का लगभग इतना मिल जा रहा है, डेली रिवॉर्ड में काफी अच्छा है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब कि अगर आप एक माइनर बन जाते हो तो डेली आप 70 से 80 लाख 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऐसे ही गेन कर सकते हो। ये जो बंदा है 6-6 बिटकॉइन कमा रहा है, 6.5 बिटकॉइन, तो आप 1 बिटकॉइन के वैल्यू 30 लाख रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करके देखो कितना होता है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वन सिंगल डे में। ये होता है बिटकॉइन माइनिंग का पावर। ओके, तो अगर आप चाहो तो एक माइनर बन सकते हो, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। देखिए अगर आप स्कूल में हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपने स्किल्स को अच्छा करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। अगर आप डेली करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हो, मतलब कि आप सोच लो क्या आप कर रहे हो,
तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हो। उसके बाद अगर आप अकेले नहीं कर सकते हो बिटकॉइन की माइनिंग, तो एक फॉर्म के साथ मिल करके काम करके भी बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो लाखों रुपए की, आप पूरा सेटअप नहीं बना सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक टीम के साथ मिल जाओ जो इन्वेस्टर हो, और उनके साथ मिल करके माइनिंग करके बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। ओके, सो आपको ये चीज समझ में आया होगा कि ये बिटकॉइन की माइनिंग होती है। बिटकॉइन जो होता है आपका प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब कि मैथमेटिकल पजल्स पे होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए माइनर्स होते हैं और उसको सॉल्व किया जाता है और फिर उससे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, सो ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं बिटकॉइन माइनिंग के साइट पे। ओके, सो मैं ओपन करता हूँ यहाँ से बिटकॉइन माइनिंग का साइट, हम चेक कर लेते हैं। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है, लिंक आपको मिल जाएगा, परेशान मत होना। लिंक है नाइस हैश, ओके, nicehash.com, ओके, सो ये आपका है लिंक, आपको इसको क्लिक करना है। यहीं पर आप लोग बिटकॉइन की माइनिंग करोगे, और आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग अपने आप में एक टफ चीज होती है। अगर आप इस पे नॉर्मल सिस्टम का यूज कर रहे हो और आप इसमें 24 आवर अगर आप अपने सिस्टम को ऑन करके रख रहे हो, तो हो सकता है आपके सिस्टम डैमेज हो सकता है हीट हो करके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। आपका जो सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा मैं बोलूं कि यूज किया जाता है माइनिंग में। तो माइनिंग को आप करोगे तो आप या तो डेस्कटॉप का यूज करो या फिर कोई अच्छे प्रोसेसर के लैपटॉप का यूज करो, जिससे कि आपको ज्यादा टेंशन ना हो या ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप देखो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो आपको क्या करना है डियर, आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पर मैंने अकाउंट किया है अरुण कुमार वाला, जो मेरा अकाउंट है उससे मैंने इसको लॉग इन किया हुआ है, ठीक है, अकाउंट क्रिएट किया। आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ओके, अब आपको क्या करना है माइनिंग वगैरह के लिए, सब चीजें बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में यहाँ पर आप देखोगे ये आपको बिटकॉइन माइनिंग जो होगी ना, यहाँ पर ये आपको बैलेंस शो करेगा कि कितना बिटकॉइन का माइनिंग आपके थ्रू हुआ है। उसको आप ट्रांजेक्शन करोगे तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री आपके पास होगा ट्रांजेक्शन वगैरह का। अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी कुछ आज ही स्टार्ट किया इसको, तो ये धीरे धीरे होगा, है ना। अब देखो माइनिंग पे आपको क्लिक करना है। नाउ जब आप माइनिंग पे क्लिक करोगे, देखो माइनिंग एड्रेस वगैरह है ना, यहाँ पर आप नीचे आना, नीचे आओगे तो यहाँ पर तो नहीं है, मैंने उसको किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। माइनिंग एड्रेस पे हम क्लिक करते हैं, देखो ये आपका माइनिंग एड्रेस है, ठीक है। जब आप एड्रेस पर माइनिंग करोगे तो ये आपका एड्रेस होगा और इसी पर माइनिंग होगी। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी एक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली यार ये पता नहीं क्या हो गया इसको, वेट, क्योंकि मुझे जस्ट वेट ना, एक्चुअली मुझे दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा इसका सिस्टम देखने में। ओके वेट, मुझे फिर से एक बार स्क्रीन ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्क्रीन शेयर करने में ना थोड़ा सा इशू हो रहा है। वेट, तो मैं इसको क्या करूं, जस्ट वेट ना, जस्ट वेट, मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल एरर में मुझे फेस करना पड़ा था, इसीलिए मुझे उसको ऑफ करना पड़ा। नाउ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर से मैं आ जाता हूँ अपने इस पे, ठीक है। तो अब आपको नजर आ रहा होगा मेरा स्क्रीन। ओके, अब आप देखो ये आपका है, इसको डाउनलोड करना होगा, वहां पर मैंने सारा प्रोसेस कर लिया था इसीलिए कुछ शो नहीं कर रहा था, तो इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता दूं अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हो और इथेरियम की माइनिंग कर सकते हो, उसके साथ साथ ट्रोन की माइनिंग कर सकते हो, सबका लिंक मैं आपको दे दूंगा। देखो ये मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है, आपको भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर बिटकॉइन पर डे का कितना आपको मिलेगा उसके हिसाब से डॉलर में, और यहाँ पे सीपीओ, देखो यहाँ पर जीपीओ मतलब कि ग्राफिक्स के मैं आपको बताऊं, ठीक है। सो अब आप देखो इसमें यहाँ पर आपके पास डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये पॉज है क्योंकि मैंने इसको पॉज किया है। इसको अगर मैं ऑन करूंगा तो इरर बता रहा है, क्योंकि सिस्टम भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। करेंट प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है कि बिटकॉइन का माइनिंग आप कितना डेली हो सकता है, प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, बट मेरा भी जीरो है क्योंकि लैपटॉप पे शायद उस लेवल का ये नहीं है इसीलिए। ओके, और यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन है, प्लगिंग वगैरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये आपका सोर्स है जिससे कि माइनिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आओगे तो देखो यहाँ पर आपका वर्कर अभी सब जीरो पे है, बोला जा रहा है कि वन वर्कर था उस समय ऑनलाइन था, बट अभी सब जीरो है। स्टार्ट माइनिंग पे आपको क्लिक करोगे तो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा इशू हुआ है कुछ, क्योंकि ये जो चीज है
वो नॉर्मल सिस्टम पे वर्क नहीं करता है, आपको इसके लिए एक स्ट्रांग सिस्टम बेस होना चाहिए, तभी होता है। तो थोड़ा वेट करिए, ओपन होने दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको एक यूनिक पासवर्ड मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और आगे और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखो अब आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है, यही जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर आपके पास सारी चीजें होगी। अभी कोई डाटा शो नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है माइनिंग वगैरह, तो यहाँ पर सब चीजें आपको अवेलेबल होगा, माइनिंग वगैरह। अगर आपको उसको बाय सेल करना होगा देन आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हो, किसी भी करेंसी में आराम से इसको बाय सेल यहाँ से कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो एक्सचेंज पे, देन आप यहाँ पर देखो ट्रेडिंग व्यू, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया ट्रेडिंग व्यू, देन देखो आप ट्रेडिंग व्यू का पूरा साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप बाय सेल कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को, जिसको आपने माइनिंग किया है उसी को। लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है, जब आप बिटकॉइन की माइनिंग करोगे तो आपका जो बेनिफिट है वो बिटकॉइन की करेंट प्राइस पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप माइनिंग करने जा रहे हो तो अभी अगर प्राइस डाउन है तो आपको सेल नहीं करना, बस माइनिंग कर करके स्टोर करके रखो, उसके बाद में करना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ पर बिटकॉइन वगैरह का इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा, माइनिंग वगैरह यहीं से होगी। इसके लिए एग्जैक्ट प्रोसेस का वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, वेबसाइट का लिंक आपको भेज दूंगा, जहां से आप माइनिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए, ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि कैसे बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे। एक्चुअली देखो स्टार्ट माइनिंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज को, ओके, इसीलिए चीज नहीं हो रहा है। तो आप लोग देख लेना, अपने सिस्टम अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब फिर से मैं अपने क्रोम पे आ जाऊं, ओके, सॉरी फॉर दैट, है ना। अभी आप देखो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा दूं अपने व्हाट्सएप पे, वेट, एक और साइट है, उसके बाद कुछ और भी चीजें मुझे आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। माइनिंग करके भी अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हो, सो इस चीज को सीरियस लो, है ना। अगर आप चाहते हो करना है तो आप कर सकते हो, वेबसाइट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। ये मैंने ओपन किया इसको, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, जस्ट वेट, एक्चुअली मेरा जो मोबाइल है वो काफी ज्यादा सही हो गया, वेट। यहाँ पे आप देखो ये आपका माइनर गेट है, minergate.com। अब ये आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो बिटकॉइन सीपीयू माइनिंग, यू कैन सी यहाँ पे आप सीपीयू के थ्रू बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हो, ओके। यहाँ पर आप माइनिंग वगैरह आराम से कर सकते हो, देन आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ओके। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन होगा minergate.com। अब आप देखो यहाँ पर विजिट वेबसाइट है, वेबसाइट पे चले जाइए आप, है ना। इसका एग्जैक्ट अभी मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं यूज करने के बाद ही आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगा। देखो स्टार्ट हेयर है, रजिस्टर है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे देन बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है अकाउंट क्रिएट करने का। तो सबसे पहले कंट्री इंडिया है, कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट, है ना, और क्रिएट एंटिटी अकाउंट, मैं पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। देन आप यहाँ पे देख लीजिए आपको ईमेल आईडी वगैरह डालना है, तो चलो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर, है ना। उसके बाद ये मैं कुमार अरुण, ओके, जस्ट वेट, है ना। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, कुमार एट द रेट, ओके, सॉरी, ओके, वेट, है ना। यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, ओके, नाउ ऑल क्लियर, आई एग्री कर लीजिए, है ना। बिनांस, ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, है ना। अब यहाँ पर जब आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखो ईमेल वेरिफिकेशन, फोन नंबर वेरिफिकेशन, सब चीजें आपको करना है। गेट कोड पे जब आप क्लिक करोगे आपके पास ईमेल में कोड आएगा, इस कोड को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको अपने ईमेल पे ले चलता हूँ और वहां से मैं कोड को जरा वेरीफाई कर लूँ, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ईमेल है, ठीक है। वेट करिए, मैं आप लोगों को वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। डियर, ये आपका इथेरियम की माइनिंग का प्रोसेस मैं बताऊंगा, बिटकॉइन की भी माइनिंग कर सकते हो, इथेरियम की भी कर सकते हो। तो ये साइट बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, आप इसका यूज कर सकते हो। नाउ आप देख सकते हो ये मेरे पास अभी आया हुआ है, सेविंग हैक्स बेनिफिट ऑफ, ओके, सॉरी ये नहीं है, मुझे 9 बज के अभी कितना हुआ है, 54 मिनट ना, ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं, यही तो मेरा था ईमेल, चेक कर लेते हैं आया होगा, शायद अभी नहीं आया है। मेल आपको चेक करना पड़ेगा, प्रमोशन पे बहुत सारे मेल आ जाते हैं, सो अभी तक तो नहीं है कोई मेल,
प्राइमरी पे मैं क्लिक करूँ तो नहीं आया हुआ है, शायद तक मैंने मेल गलत डाल दिया होगा। सो इस पे आ जाता हूँ मैं, कहाँ गया मेरा, minorgate.com है ना, ये आपका वेबसाइट था ठीक है। रिसेंट पे हमने क्लिक किया, अरुण साहू 1998 कुमार, एक बार देख लेते हैं, फिर से रिसेंट कर लेते हैं ओके, और फिर से एक बार मैं रीचेक कर लूँ, होपफुली आ गया होगा, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। अगर हो गया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें भी माइनिंग कर सकते हो और प्रोसेस करके आप पैसा कमा सकते हो ठीक है। सो ये नहीं आया है तो ऐसे करना, आप इसको लॉग इन कर लेना, क्योंकि अभी मेरे ईमेल पे शायद कुछ इशू हो रहा है जिसके वजह से नहीं आ रहा है, या तो फिर मैं कोई दूसरा ईमेल डाल के देखूँ है ना। डोंट रिसीव कोड पे मैं क्लिक करूँ ओके, देखते हैं वेरिफिकेशन वॉइस, सॉरी अब वॉइस आ गया तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं अभी है ना। तो आप इसमें कर लेना वेरीफाई देन फोन नंबर को, और उसके बाद इसको, देन उसके बाद सेम प्रोसेस होगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा उसको लेकर के टेंशन मत लेना। इथेरियम की माइनिंग का भी मैं भेज दूंगा, बिटकॉइन की माइनिंग का भी मैं भेज दूंगा, और ट्रोन की माइनिंग का भी मैं वीडियो भेज दूंगा, तीनों की माइनिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से चाहो तो माइनिंग कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास एक अच्छा सा सीपीयू है, देन आप यहां से माइनिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो ठीक है। सो आपको ये काम करना है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ईमेल ओपन करके दिखा दूं अपना, जस्ट वेट, यहाँ पर मैं आपको ईमेल ओपन करता हूँ ठीक है, एंड यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, वेट करिए थोड़ा। देखो यहाँ पर आपको दिखा दूं, देखिए ये मैंने जस्ट अभी किया था, अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड कैसा आया हुआ है। आप देखोगे बहुत यूनिक सा कोड आपको आया है, नॉर्मल कोड नहीं होता है, यूनिक कोड आपको मिलता है, इसीलिए इसको वेरिफिकेशन में काफी आपको मैं बोलूँ टफ जाता है ओके। सो ये चीज है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, फिर से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वेबिनार को आज का खत्म करेंगे। नाउ ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब यहाँ पे समझना जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ ठीक है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो चीज मैं आपको समझाऊंगा, देखो व्हाट इज 64 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। देखो एक्चुअली क्या होता है पता है, यहाँ पर सिक्योरिटी को बहुत ख्याल में रखा जाता है, इसीलिए आपका जो पासवर्ड होता है वो नॉर्मल पासवर्ड नहीं होता, या फिर मैं रिसीव एड्रेस की बात करूँ तो नॉर्मल रिसीव एड्रेस नहीं होता, बहुत यूनिक होता है जिसमें 64 डिजिट हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है। इससे कैसे होता है देखो, इस तरीके से अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज करते होंगे, बाय सेल करते होंगे, और अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट क्रिएट किया होगा तो इस तरीके के आपको पासवर्ड मिला होगा, रिसीव एड्रेस मिला होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, 0, 5 and 7 नंबर्स होते हैं, प्लस AC5 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, दिस इज टर्न मीन्स दैट एवरी डिजीज हैज 10 पॉसिबिलिटीज, मतलब कि 0 से 9 तक का 10 पॉसिबिलिटीज होता है। और हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है, ये ग्रीक का वर्ड है, हेक्सा इज अ वर्ड फॉर 6th एंड डेका इज अ वर्ड फॉर 10। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल 16 यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन जाता है। तो इस तरीके से देखो, डेसिमल फिगर में मैं बात करूँ, 0 से 15 तक होता है 16 नंबर है ना। उसके बाद हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट में मैं बात करूँ, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है, फिर ABCDEF होता है। तो इस तरीके से होता है कि यूनिक पासवर्ड आप लोगों को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ख्याल रखा जाता है आपका, कि कहीं पर कोई भी दिक्कत ना हो। आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको बहुत सोच समझ करके चीजों को तैयार करके दिया जाता है ठीक है। अब देखो ये लास्ट टॉपिक हम आज कवर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पे हम बात करेंगे है ना। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ओके। देखो अब ध्यान से समझना, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें पूरी के पूरे जो कंट्रोल होता है वो एक पर्सन के पास होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास होता है। लेकिन मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का, तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। बिटकॉइन की सबसे बड़ी खासियत, या फिर मैं बोलूं क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, न इसको कोई गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता है और न ही कोई पर्सन, ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जो ब्लॉकचेन होता है ना वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसमें सारे ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन यह मेन तरीका मैं बताऊं, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होता है, आपका ब्लॉकचेन भी एक तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि ब्लॉक, हर एक ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए अगर आपको हैक करना है किसी भी ब्लॉक को, तो आपको सारे के सारे सिस्टम को हैक करना पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत टफ चीज होती है ठीक है। सो अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कुछ और भी चीजें मैं आप लोगों को डायरेक्ट बात करूं, उसके बाद आप लोगों को बताऊं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आप लोगों के बेसिक चीजें पूरा क्लियर किया है क्रिप्टो करेंसी का, अब आपको क्लियर हो गया होगा क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आप समझिए ध्यान से,
अब आगे का जो चीज होगा उसमें हम लोग बात करेंगे मेटावर्स के बारे में, क्योंकि मेटावर्स बहुत ज्यादा जरूरी है जो आप लोगों को समझना है। उसके बाद मैं बात करूं वेब 3.0, इस पर भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो मैं ऐसे ऐसे चीजों को पहले आपको समझा रहा हूँ। आपको मैंने कहा था ट्रेडिंग, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि क्रिप्टो का इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा। तो पहले इन डेप्थ नॉलेज ले लो, उसके बाद ट्रेडिंग के ऊपर जब आप आओगे आपको हर एक चीज सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस मैंने बताया था क्रिप्टो माइनिंग का, तो ये प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। लेकिन हाँ, अगर आपको बड़े लेवल पे करना है इसमें ना, मैं बताऊं आप वीकली हो सकता है 700 से 800 रुपए कमा सकते हो यहाँ पर, है ना, इस वाले प्रोसेस में। लेकिन अगर आप खुद के सिस्टम बना लेते हो माइनिंग का, तो आप लाखों रुपए पर डे का इनकम जनरेट कर सकते हो। बट उसके लिए लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत टफ चीज होती है। सो आपको क्या करना है, चाहो तो छोटे लेवल पे काम कर सकते हो, एंड अगर आपको कोडिंग वगैरह का नॉलेज है, टेक्निकली आप मजा आता है आपको, देन आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, आप समझो ध्यान से। आपको मैंने भी बताया क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारी चीजें, ब्लॉकचेन के बारे में, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ से प्रॉफिट निकालना शुरू करो। सबसे पहले मैं कहूंगा मीम कॉइन से आप लोग प्रॉफिट निकालो, एयर ड्रॉप से प्रॉफिट निकालो। आप लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, जो मैंने 4,000 रुपीज लगाया था इसका मुझे रिटर्न मिल गया। और आप देखोगे अभी जो ट्रेडिंग की चीजें होंगी जिसपे हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह में, तो वहां पर मैं आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि सॉरी, जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो डेली बेसिस में। अगर आपके पास फंड, जैसे मैंने बताया ना, 100 से 200 डॉलर हो, तो काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। एंड अगर आपका अमाउंट पोर्टफोलियो बड़ा है, तो बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। ओके, सो मैंने अभी आप लोगों को काफी सारी चीजें समझा दी।